काम नहीं कर सका यमराज, वो काम करेगा ठाकुर धर्मराज। मेरा ही नाम ठाकुर धर्मराज सिंह है, मैं तकरगढ़ रियासत का सबसे बड़ा जमींदार हूं, क्योंकि मेरा एक दिली सपना है कि जब मैं सुबह सोकर जागूं तो दूर जहां तक हमारी नजर जाए वहां की सारी जमीन हमारी हो जाए। परंतु यह सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ, यह सपना भी जरूर पूरा होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं, मैं तीन भाई हूं तीन। एक भाई तो हमारा बिहार का मंत्री है, जिसके एक ही इशारे पर सारा का सारा मंत्रिमंडल हिल जाता है। अरे मेरा छोटा भाई जो कि चंबल घाटी का मशहूर खुखार खतरनाक लुटेरा है, जिस रास्ते से निकलता है वो लाशों की ढेर खून की लकीरें खींच दिया करता है, जिसका नाम है डाकू शक्ति। लेकिन क्या करो यार, आज मुझे मेरे भाइयों की बहुत याद आ रही है, काश मेरे भाई मेरे सामने आ जाते तो मैं उन्हें अपने सीने से लगा लेता। में रख ले, ये चूना लगाने के वक्त पैर पड़ने की तमीज है उल्लू का पट्टा कहीं का। दादाजी कहिए मुन्ना, आपकी याद हमका बहुत आ रही थी। अरे मेरे भाई यही बात तो यहाँ थी, पर हम क्या करें, ससुरा कोनो पखत नहीं मिलता कि आपसे मुलाकात करूं। अच्छा, बहुत मौका निकाल करके आया हूँ दादाजी। और दादाजी हमको 10 करोड़ रुपए चाहिए। 10 करोड़ रुपए? हाँ दादाजी। आखिर मुन्ना तुम 10 करोड़ रुपए करोगे क्या? इलेक्शन में लगाओगे दादाजी? नहीं मुन्ना नहीं, शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि अगर 10 करोड़ रुपए अपने खजाने से या बैंक अकाउंट से निकाल कर दे दिया तो अपने बुढ़ापे का क्या होगा मुन्ना? अरे खजाना काहे को खाली करूंगा भाई, वो धन न जाने कितनों का गला काट काट कर खून चूस चूस कर वो धन इकट्ठा किया, उसको यूं ही मुफ्त में जनता में लुटा दूं। अरे इतना बुड़बक नहीं हूं दादाजी, पैसा तो हमरा भाई शक्ति सिंह लेकर आएगा। अरे दादा मेरे अब चौकी नाथ याद किया जब आपने समय लाया था, अरे भाई आपने मुझे किस लिए याद किया? मुन्ना एक बार तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? आखिर आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? हमको 10 करोड़ रुपए चाहिए मुन्ना। 10 करोड़? लगता है कि इस वक्त आप दिन में तारे देख रहे। दिन में तारे? हाँ। क्यों? आपको नहीं मालूम है इस शंकरगढ़ की रियासत में एक नया पुलिस ऑफिसर आया है जो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार समझता है, और वो बड़े ही कड़क मिजाज का पुलिस ऑफिसर है मेरे भाई। अरे मुन्ना, अरे ऐसा कौन सा पुलिस आ गया है शंकरगढ़ में जिससे तू डरता है? अरे हमने न जाने कितने कत्ल किए, कितने बलात्कार किए, कितने घपले किए, आज तक हमरे खिलाफ कोई सबूत लगा किसी को ना मुन्ना? ना तो उसके बारे में फिक्र करना छोड़ दे। अच्छा, वो ससुरा जिस खेत की मूली है उसको हम देख लूंगा, बस तू हमरे लिए पैसों का इंतजाम कर। मेरे भाई आप इसके लिए चिंता मत करो, मैं बैंक लूट कर या किसी तरह से आपको ये 10 करोड़ रुपए लाकर अवश्य दूंगा। और हाँ एक काम तो करना है मुन्ना। वो कौन सा काम? जहाँ जहाँ जिन बस्तियों से
जिन क्षेत्रों से हमका वोट मिलने की उम्मीद नहीं है उन सारी बस्तियों को जलाकर राख कर दी। अच्छा, खेतों खलिहानों में आग लगा दी, इतनी तबाही मचा दी, इतना खून खराबा कर कि सारी जनता उससे परेशान हो जाए। उसके बाद राशन, कपड़े, कंबल और 10,000 रुपए ले जाकर के हम जनता में बांटूंगा, उनकी आंसू पोछूंगा, फिर देखता हूँ कि सूत्र हम कोर्ट पैसे नहीं देते। आपने मेरे भाई आपके सियासत की सतरंग की चाल इस शंकरगढ़ की रियासत में कोई माई का लाल समझ नहीं सकता। आपको जिन बस्तियों से वोट मिलने की उम्मीद नहीं, उन बस्तियों में मैं तबाही और बर्बादी मचा दूंगा, मौत और खून की लकीरें खींच दूंगा, फिर वो लोग तंग आकर आप ही को वोट देंगे। कहने का मतलब यह है मुन्ना, क्या कि करेंगे भी हम और भरेंगे भी कान ही मेरे भाई। दादाजी मुन्ना, हम शक्ति सिंह का इंतजार बंगले पे करूंगा। ठीक कहते हो, मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। रास्ता चलते चलते न जानू मैं क्या क्या सोचूं, क्या क्या सोचूं राजा, क्या क्या सोचूं, क्या क्या सोचूं राजा, क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते न जानू मैं। क्या बताई यार साहब, लोग ऐसी जगह भेज देने डाकू ना साकू बे मतलब का हम परेशान हो गए। अब हम थोड़ा बैठ के आराम कर ले तो आगे चली। साथियों जय महाकाली। नाम शक्ति है मेरा, नाम शक्ति है मेरा, कोहराम मचा दूंगा, बड़े बड़े सेठ बनियों के पत्थर पे ठोकर मारू, पत्थर पे ठोकर मारू तो पानी उछाल दू, शेर सामने आए तो उसकी आंखें। हमें रोके जमाना, जमाने में वो दम नहीं, जमाना हमसे है जमाने। मचा दू कयामत, मचा दू कयामत, तूफान की लहर बनकर मैं जुल्म ढाऊं बिजली की कर। सरदार ये जो पुलिस ऑफिसर विजय सिंह है, हाँ सरदार, ये बहुत ही शातिर खतरनाक। क्यों नहीं सरदार, हाँ ये ससुरा बहुत बड़ा ईमानदार भी है। सच कहते हैं सरदार। साथियों सरदार, हम लोगों को इसी तरह सतर्क रहना होगा। हाँ सरदार, क्योंकि अगर मैं इसके हाथों से गिरफ्तार हुआ तो मुझे उम्र कैद की सजा मिलेगी या फांसी का फंदा। सच कहते हैं सरदार। मैं तुम लोगों से कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। आपसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तो मुझको आदेश दे करके बतलाइए, हमें करना क्या है। मुझको आदेश दे करके बतलाइए कि जगह चलने की एकदम तैयारी करूं, कि जमींदार का होती ना फिरी मारे कुंडन उसे आप से। ये बात मेरी सुनो, आज कई दिन हो गए बंद ठंडा मेरा, आज की रात में मांग लू तो सभी आज भी से शुरू कर तैयार हूँ। आप मिला कर उसी वक्त
कौन सी खबर? शंकरगढ़ थाने में सुनिए सरदार जी, पुलिस अफसर विजय अधिकारी थे उसके ऐसे। शक्ति किसी से डरा ही नहीं, वक्त आने पर वो शांत हो जाएगा क्योंकि हमसे अभी तक साथियों हम सब लोग भूस की चिंता छोड़ो और तैयारी बनाकर मेरे साथ चलो। कहाँ को? हम सब लोग चलते भारतीय स्टेट बैंक लूटने। ठीक है सरदार, आओ मेरे साथ चलिए। सरदार यार लगता है कोई पुलिस वालों की जासूस है। मुझे भी लगता है सरदार, कहिए मां। हाय पिया मैना भयो गई कौड़ी, हाय पिया मैना देवी मैं पूछी आयो देवता मैं पूछी आयो देवी मैं पूछी में कोई पागल औरत है। पागल वाह डाकू भैया, अरे तुम कहां पागल मालूम और क्या, पढ़े लिखे में हमारे आगे फेल है। लेकिन ये बताओ कि यहाँ किस लिए आई है? तुम्हारे पता लगा लगा हम चली वो किस लिए? अरे देखते हमारी हॉल है पता नहीं यार कौन यार तो हमारी मदद कर दियो। क्या मदद चाहिए तुझे बोल? मदद या कह दियो हो सके तो एक लीटर मट्टी तेल एक बोतल कच्ची दारू दे। हम लोग इस जंगल में शराब और मिट्टी का तेल लेकर घूमते जो तुझे ला कर दी, ये बात जाकर सुन अपने आदमी से, कहो आदमी से। जो हमारे आदमी हो पे कर तो कहा तुम्हारी सरियम बम्बा, कहाँ को गया तेरा आदमी बोल? हमारा आदमी तो 10 साल हो गए रेलगाड़ी में कचर के खत्म थी। सुना साथियों इसका आदमी रेलगाड़ी से कटकर मर गया, लेकिन ये बता तेरा आदमी नहीं मौजूद तो तेरी हालत कैसी हुई? यो ना पूछो बताओ शर्म लागत। कैसे क्या हुआ? ये राजू भैया की मेहरबानी है। क्या क्या उन्होंने तेरे साथ? कहीं नवरत भाई परेशान हमारे साथ है, चलो। कहा को? प्रधान लगे। किसलिए? कहीं चलो राशन कार्ड पेंशन कुछ मा कुछ। ये तो उन्होंने तेरे लिए बहुत ही अच्छा सोचा। तो कहा राशन कार्ड पेंशन बंद हुआ दिन बंद? दोबारा नहीं गई उनके पास। गई ना जवाब दे। घबराओ नहीं, हम तेरी मदद करेंगे। मंगल फिर कितने चाहिए? फिर 100-200 रुपया तो देबे। पागल हो गई है? 500 रुपये में कुछ नहीं होगा, 200-300 रुपये में सब कुछ हो जाएगा। फिर पहले अब जा तुझे जिस चीज की जरूरत हो जाकर बाजार से मंगवा लेना। चलो डाकू भैया बहुत मदद की, 500 रुपया दी हम पावा। हमारे नाना बारा कौनो हुई तो उसे कह जब तुम पंचन का मामा। हम डाकू है, हम कभी किसी से रिश्ता और नाता नहीं जोड़ते। तुझे रुपए मिले अब तू यहाँ से जा। लेकिन डाकू भैया अब हम चल ना पाएंगे तो हम क्या करें? पेट हमार मार खड़बड़ खड़बड़ करे, इसीलिए कहता हूँ यहाँ से जा। मंगल वास्तव में शरद को इस वक्त काफी परेशानी, इसलिए चले जाओ और इसे इस काली पहाड़ी के बाहर पहुंचा कर वापस आओ। लेकिन सरदार जी मैं इसे भेजने नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं इसे माँ भवानी के मंदिर में ले जाकर इसकी बलि चढ़ाऊंगा। पागल हो गए हो? ले जाओ इसे, बचा ले चलो। अरे भाई भंभारा सुन मोरू अपने, तैयारी बनाओ और आज हम सब लोग चलते हैं भारतीय स्टेट बैंक लूटने। ठीक है सरदार, जय महाकाली। पूनम सिंह। यस सर। सुबह से शाम होने को है,
हम लोग इस काली पहाड़ी घर बैठे हैं, नहीं कोई सूचना मिली और नहीं तो शुक्ला जी वापस आए। यस सर। अरे गौ ने कहल कहो कैसे कही, हाय हरे सखी हाय हरे सखी। पूनम जी कैसे रे निकल में गाना गा रही? भाई तो मैं भी सोच रही हूं। पहले पहल जब आवा गवनवा, अरे सैया हलाल करे जैसे पागल। और ये जंगल है और जंगल में नाच और गारी। वाह दरोगा मौसिया, तुम्हारी पता लगा लगा तो हम चले आए हैं। अरे हम लोग पुलिस वाले हैं, यहाँ डाकुओं के चक्कर में बैठे हैं। डाकुओं का चक्कर छोड़ा, हमारे चक्कर में। तेरे चक्कर में? तेरा क्या चक्कर है? नहरिया कहती चलो तो चप रो। क्यों है हमारे पास आयन का साहब? देखते हमारी हाल है, पता नहीं कत्ती बिहार को नहीं आ जाए तो हमार मदद कर दियो। कैसी मदद? मदद क्या कह दियो साहब, तुम्हारे थाने में को कमरा नहीं खाली है। थाने में कमरा क्या करेगी? 100 रुपए बैठब, यानी थाने के अंदर बच्चा पैदा करेगी? बच्चा दे अब। चुप रहो, तेरे घर नहीं क्या? घर कहाँ से बही हम बही गवा? तेरा घर बाढ़ में बह गया तो तेरा आदमी कहाँ गया? हमारा आदमी 10 साल हो गए रेलगाड़ी में कचर के खत्म हो गया। 10 साल पहले इसका पति मर गया, फिर ये कैसे हुआ? ये ना पूछो, ये रमेश भैया की मेहरबानी है। अरे क्या क्या उन्होंने? कई नवरत भाई परेशान हमारे साथ ही, चलो प्रधान लगे ले चली। हाँ? राशन कार्ड पेंशन कुछ माँ कुछ बनवा दे। साहजी सुबह हम चली गए तो कहा राशन कार्ड पेंशन बनवा दे। तो उनके खिलाफ तूने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? रिपोर्ट का कर लिखा? हाँ? सोचन घर में अकेले अब दूजने हो गया। अच्छा अच्छा, सोचा एक से दो लोग हो जाएंगे तो हम लोग तेरी मदद कर दें। हाँ पूनम सिंह, इस औरत को 200-400 रुपए दो और भागो यहाँ से। वाह साहब, आजकल के दिन 200-400 में का हो? नहीं होगा। अरे तो 500 रुपए दे दो इसे। 500 ना ले आप। 500 भी नहीं चाहिए? अरे तो कितने चाहिए? दियो तो हम का दे दो लगभग 50। शुक्ला जी। यस सर। लगता है कि आज तूने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया कि धोती? ये किसके कपड़े हैं? मेरे पर फेंक दिया बेवकूफ कहीं के? ये हमारी भाभी कपड़ा, बड़ी मेहनत से मिले तुम बहा दी हो। तेरी भाभी के कपड़े? और का? तो इन कपड़ों को पहनकर वहाँ गया था? हम कहें डाकुओं का पता लगा कपड़ा बदल ले। घर का गए तुम्हारे के पल्लवा रहा बंद, हम पिछुआरे तड़क गए। घर में गए तो कहा देखे हमारे भैया हमारे भौजी एक्के कोठर में एक्के खटिया पहुड़े, कपड़ावा खोले गुड़वारिन के रखे, कपड़ावा लेके चल दिन बोले जाने न पाने लोग का करत हूँ। तेरी बकवास चालू हो गई। अब ये बता कि जिस काम के लिए हमने भेजा था वो काम किया? अरे हाँ सर, तुमसे नहीं डकवा फिर ठीक है। क्या खबर लाया? इधर 500 रुपए नकद है, नकद दहीन। डाकुओं ने 500 रुपए दिए? तो अब इन 500 का क्या करेगा? अब 5 दिन गुंडाई करब। शुक्ला जी लाओ पैसे मुझे दो। अरे ये बताओ उन डाकुओं की खबर क्या है? अरे हाँ साहब, गाड़ी स्टार्ट कर दो बस। कहाँ को? वो जो डाकू शक्ति सिंह है ना। हाँ? वो भारतीय स्टेट बैंक लूटने जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक? जी सच है जी। पूनम सिंह। यस सर। तब तो लगता कि भदोड़ी भूल कर दी। सुबह से हम लोग इस काली बाहरी घेरे बैठे हैं और वो कमीना जा रहा है भारतीय स्टेट बैंक लूटने के लिए। यहाँ से सारी फोर्स आउट करो और स्टेट बैंक को चारों तरफ से घेर लो। आमिर साहब, आपसे एक निरोध है। क्या है? निरोध है। निरोध है या अनुरोध है? हाँ वह बात सर। क्या है सर? बरा चौराहा इतने चलेंगे? वही तो चलेंगे। वहाँ ना चलो सर। क्यों? बरा चौराहे ने गुप्ता जी होटल खोले हैं, वहाँ 20 रुपया उधार हम कचौड़ी पकौड़ी छोला भटूरा खान पैसा वा देना नहीं। जमने जिसे पैसा मांगे वो रास्ता गया, हम बंद कर दिए। तो हम क्या करें? तो दूसरा रास्ता निकल, चलो पैसा वही तगादा करी है। कचौड़ी पकौड़ी छोला भटूरा तूने खाया है और रास्ता हम लोग छोड़ दे। और कौन रास्ता निकल चलो? क्यों निकल चले? तनख्वाह नहीं पता क्या? तनख्वाह पाई तुम लोग 70-75 हजार में कहा हुआ था? 70-75 हजार में कुछ नहीं होता। और का? तो कितने में होगा? कम से कम 1500 रुपए दे तो कुछ समझा मां। 70-75 हजार में तेरा काम नहीं चलता है तो 1500 में चल जाएगा? देखो कहीं के हराम की खाता है। और का? हाँ मेरे साथ। चलिए।
पूरा हुआ। हाँ सरदार, लूट की रकम आज मैं अपने भाइयों के पास ले जाऊँ। क्यों नहीं सरदार? लेकिन सरदार यहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस हो गई? हाँ सरदार, ले जाओ गोली और भून डालो।